हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू योर चैनल। आई एम फैशनिस्ता और मैं हूँ आपकी दोस्त शकुन। आप सब कैसे अपना ख्याल रख रहे हैं? नहीं, मैं बहुत अच्छी हूँ। और दोस्तों, आज का वीडियो लेकर के मैं सुपर एक्साइटेड हूँ, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड आज की वीडियो को लेकर के, क्योंकि मैं लेकर के आई हूँ आपके साथ में शेयर करने के लिए फिर से पाकिस्तानी कलेक्शन। मीशो से ही है सारा का सारा इस बार ना, और बहुत ही अच्छा है यार। मतलब जैसा इमेजिन किया था काफ़ी तक वैसा ही आया है। फिर भी अगर आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा स्किप करके देखने की जरूरत नहीं हुई, क्योंकि मैं बहुत फास्ट फॉरवर्ड तरीके से आपको बताने वाली हूँ, क्योंकि आप लोगों ने फिर भी 15-20 मिनट की वीडियो को भी 2 मिनट में देख करके ओवर कर देते हैं। तो यार, कितनी लंबी वीडियो बना लो, आपने 2 मिनट से ज़्यादा देखना ही नहीं है, आपके पास टाइम ही नहीं है मेरे लिए। आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने के लिए लेकर के आई हूँ बहुत सारे कुर्ता सेट। मैं दिखा देती हूँ आपको, कुछ इस तरह से ये सारा कलेक्शन होने वाला है। तो चलो फिर जल्दी से ना, हम बिना टाइम गवाए, बिना फालतू की चैचे पैपे करें, शुरू कर देते हैं आज का वीडियो, क्योंकि आप लोग फिर बोर हो जाते हो। तो सबसे पहला सूट आपके साथ शेयर कर रही हूँ, वो 3-पीस सेट है, यानी कि उसमें आपको मिलता है कुर्ता बहुत अच्छा सा। ये है, इसके साथ में इसका बॉटम आया है, और इसके साथ में आया है इसका बहुत ही प्यारा सा शिफोन का दुपट्टा। सो सबसे पहले मैं आपको इसका कुर्ता दिखाती हूँ। फैब्रिक इसका रेयन है, साइज़ मैंने इसमें एल मंगाया हुआ है। इसका नेकलाइन आपको कुछ इस तरह से मंडेरियन नेकलाइन मिलेगा। इसमें आपको बटन मिलेंगे, जो इसमें का फर्स्ट बटन जो है कुछ ये देखिए फ्लावर की डिज़ाइन बना हुआ है इस पर। तो ये बटन जो है आपको फंक्शनेबल मिलेगा फर्स्ट इसका, बाकी के सारे बटन इसके स्टिच्ड हैं यहाँ तक, ठीक है। तो इसका लुक कुछ इस तरह से आने वाला है। स्लीव्स देखिए आपको इस तरह से 3/4 मिलेंगी, काफ़ी अच्छी है यार। ऐसा है ना, मेरे पास में एक गाउन है सेम फैब्रिक में, काफ़ी मल्टी कलर्ड गाउन है, बहुत ही अच्छा लगता है वो भी पहनने के बाद में, बहुत कूल फीलिंग देता है, वही वाला फैब्रिक है। इसका बेसिक कुर्ता है, इस तरह से आपको टाई एंड डाई का लुक मिलेगा। चाक है इसमें साइड में खुले हुए, इसमें कोई पॉकेट वगैरह नहीं है, और बैक और फ्रंट में पूरा ऐसे कैसे ही जाने वाला है। सो क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा है, लुक भी बहुत प्रिटी आने वाला है। साइड में आप देखिए इसका लुक कैसा आ रहा है ट्राई ऑन में, और ये बहुत ही अच्छा लग रहा है पहनने के बाद में, इतना कंफर्टेबल फील करा रहा है ना, बहुत ही ज़्यादा। ये है इसका पैंट, पैंट देखिए इस तरह से पैंट क्या, हाँ पैंट ही है। तो ये है इसका पैंट, फुल्ली इलास्टिकेटेड है, फैब्रिक बहुत बहुत अच्छा है, और लार्ज के हिसाब से भैया साइज़ थोड़ा सा छोटा लग रहा है मुझे, है ना। और इसमें यहाँ पर इन्होंने कुछ भी मियानी वगैरह भी डाल के नहीं दी है, तो भैया ये तो माइनस पॉइंट। नीचे से जाके इसकी पैंट इतनी नैरो हो जाएगी। उसके साथ में इसका आया है दुपट्टा, दुपट्टे पे आपको चारों तरफ व्हाइट कलर का कॉटन का ये वाला लेस लगा के दिया गया है। पूरा दुपट्टा आपको इस तरह से मिलेगा, शिफोन कम जॉर्जेट मिक्स है, ट्रांसपेरेंट दुपट्टा है। विड्थ वगैरह ठीक है इसकी, देखिए ये विड्थ है इसकी एवरेज, और लेंथ भी इसकी प्रॉपर जा रही है। सो लुक वाइज बहुत अच्छा लग रहा है, क्वालिटी में भी बहुत अच्छा है। 600-700 के अराउंड मैंने इसको बाय किया था, तो उसके अकॉर्डिंग तो बहुत अच्छा है, आप इसको जरूर ट्राई कर सकते हैं। समर फ्रेंडली है, बहुत ही अच्छा फैब्रिक इसका। ये सबसे प्यारा लगा मुझे, इतना सुंदर लगा ना देखने में इसका कलर, फोटो में भी और रियल में भी बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट पीस की। नेक्स्ट पीस जो है ना भाई, पिक्चर में इतना प्यारा लग रहा है, ये देखो साइड में इसका पिक्चर देखो आप, कितना सुंदर लग रहा है। मुझे रिसीव हो चुका है, खोल के भी मैं इसको देख चुकी हूँ एक बार, अब आप लोगों के साथ में इसका रिव्यू शेयर करना बाकी है। तो ये भी अपने को 3-पीस सेट मिलता है, इसमें आपको मिलता है पाकिस्तानी दुपट्टा कुछ इस तरह से, ये इसका कुर्ता है और ये इसका बॉटम है। तो चलो सबसे पहले मैं इसका आपको कुर्ता दिखाती हूँ। कुर्ता यहाँ पर ना फ्रंट पार्ट पे, योक पार्ट पे आपको इस तरह से इस पर पूरे पे ये गोल्डन वर्क मिल रहा है, गोल्डन कलर का सीक्वेंस वर्क मिलेगा। नेकलाइन भी इसका यू शेप है, और ये बहुत ही अच्छा सा लग रहा है। इसका जो फ्रंट वर्क है ना, ये एक्चुअली इन्होंने गोल्डन कलर का ही फैब्रिक है, इसके ऊपर इन्होंने जरी और सीक्वेंस वर्क किया हुआ है, पैच ऊपर से लगा हुआ है। सो ये बहुत अच्छा लग रहा है, फ्रंट लुक बहुत प्यारा है। लेकिन इस कुर्ती में जो एक माइनस पॉइंट है, इस कुर्ती का ना फैब्रिक क्रेप है, बहुत ही हल्के वाला क्रेप है। पहनने के बाद में शायद आपको इसमें गर्मी ना लगे, बहुत हल्का है, बट मुझे क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं लग रही है। 700 के अराउंड है, क्वालिटी में बिल्कुल भी मुझे पसंद नहीं आ रहा है। ये देखिए इसकी स्टिचिंग वगैरह भी ना थोड़ी सी डिस्टर्ब है, आई डोंट नो वाई। यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये यहाँ पर डबल स्टिचिंग आ रही है, ये आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर भी आपको स्टिचिंग दिख रही है, आई डोंट नो, ये इंटरलॉक की वजह से हो गया है शायद, कुछ थोड़ा सा फॉल्ट है। तो ये पीस तो मैं नहीं रख सकती हूँ, बट एवरेज है। इसका जो फैब्रिक है ना, आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा अच्छे वाला क्रेप नहीं है, सॉफ्ट तो है, हार्ड नहीं है, बट मुझे मतलब क्वालिटी अच्छी लगी। हो सकता है कुछ दिन बाद ये बहुत ज़्यादा बेकार हो जाएगा। साइड में ना इसमें आपको यहाँ पे चाक पर भी गोटा पट्टी की लेस लगा के दी है, वैसे बहुत अच्छा लग रहा है यार देखने में ना, मतलब फर्स्ट लुक इसका देख करके बहुत अच्छा लगा। लेकिन जब इसको हाथ में लेते हैं ना, कपड़ा इसका बहुत ही मरा वाला क्रेप लगा रखा है। ये बैक साइड से पूरी कुर्ती प्लेन है, इस तरह से स्लीव्स इसकी आपको 3/4 मिलने वाली हैं। ये इसका फ्रंट लुक आएगा, इस तरह से आप साइड में देख लीजिए कैसा आ रहा है ट्राई ऑन में, ओके। और इसके साथ में इसका आया है पैंट, पैंट आपको फुल्ली इलास्टिकेटेड मिलता है, साइज़ एल है, एल के अकॉर्डिंग पैंट का साइज़ बहुत अच्छा है, शायद एल वालों को इजीली आ जाएगा। ये इस तरह से नैरो हो जाएगी नीचे जाकर के, इसमें आपको कोई भी वर्क वगैरह नहीं दिया हुआ है, कोई गोटा पट्टी लेस नहीं है। ये इसका पाकिस्तानी दुपट्टा, ये दुपट्टा काफ़ी तक वैसा ही सिमिलर टू दैट वन जो मैंने ऑलरेडी बाय किया हुआ है, बट उसकी क्वालिटी में, इसकी क्वालिटी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है।
दुपट्टा देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, प्रिंटेड है, बहुत ही लाइट वेट है फैब्रिक इसका भी, क्रेपी है रिंकल्ड वाला जो क्रेप होता है। आपको चारों तरफ गोटा पट्टी की लेस लगी मिलेगी समोसा वाली, ये इसका प्रिंट डिज़ाइन जाएगा पूरे दुपट्टे का, आप देख लीजिए। ट्रायल में भी आपको साइड में दिख रहा है कैसा लग रहा है। तो सस्ता है तो उसके अकॉर्डिंग इसकी क्वालिटी, थोड़ा सा फैब्रिक और अच्छा कर देते या रेयन दे देते तो और भी अच्छा होता, शायद 1000 तक की रेंज में चलाया था, लेकिन पहनने लायक होता। मुझे इसके फैब्रिक से थोड़ी सी शिकायत जा रही है, अदरवाइज़ तो अच्छा लग रहा है देख करके, बहुत प्यारा लग रहा है, कलर भी बहुत खूबसूरत सा इसका। मैंने सोचा था बहुत अच्छा पीस आएगा, फोटो में बहुत सुंदर लग रहा था, लेकिन मुझे इसकी क्वालिटी को लेकर के मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ बिल्कुल भी। तो दोस्तों नेक्स्ट प्रोडक्ट शेयर करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है, और चैनल पर पहली बार आए तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लेना, सबसे ऊपर वाला सेलेक्ट कर लेना ऑल वाला ऑप्शन, जिससे कि आपको मेरी सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलते रहे और बिना मिस करे आप मेरी सारी वीडियोज़ देख पाएँ। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट मेरे पास में जो है ना एक अनस्टिच मटेरियल है, पाकिस्तानी कुर्ता सेट है, ये देखिए ये वाला बहुत ही खूबसूरत है, ये इसका फोटो है, मैं दिखाई देती हूँ आपको, ये इसके अलग अलग पार्ट्स आए हैं। बेसिकली ये वाइट कलर का कुर्ता है, तो चलो सबसे पहले आपको मैं कुर्ता दिखाती हूँ इसका। ये है इसकी कुर्ती का फैब्रिक जो है इसका जॉर्जेट है, बहुत ही फाइन क्वालिटी वाला जॉर्जेट है, और ये इसकी कुर्ती पर आपको कुछ इस तरह से वर्क मिलने वाला है। ये कुर्ती में ना आपको फ्रंट साइड में ये वाला वर्क मिलने वाला है, ये छोटे छोटे से फ्लावर्स हैं, जरी वर्क है, एम्ब्रॉयडरी है मतलब थ्रेड वर्क, आपको गोल्डन कलर का मोती भी लगे मिल रहे हैं। फ्रंट में ना आपको यहाँ पर सेंटर में ये पट्टी लगा के दी गई है, जिस पर आपको जरी का सीक्वेंस का वर्क दिया गया है, ये आपके फ्रंट नेकलाइन पे यहाँ पर आएगा, इस तरह से आपको डिज़ाइनिंग करवानी है ना जब इसकी इसमें आएगा, ठीक है। और इसमें आपको ना ये पूरा वर्क मिलने वाला है, बैक और फ्रंट में आपको ये वर्क मिल रहा है, देखिए ये बूटियाँ आपको बैक में मिल रही है, फ्रंट में भी, और सबसे नीचे जा करके आपको इतना खूबसूरत सा बॉर्डर लगा हुआ मिल रहा है, ये बॉर्डर इसमें बुना हुआ है, और ये इसमें नीचे की साइड लेस लगा के दी गई है गोल्डन कलर की, तो ये बॉर्डर भी ना इसके बैक और फ्रंट दोनों जगह दिया गया है, तो ये काफ़ी अच्छा सा महंगा सा सूट लगेगा बनने के बाद में। ये इसकी स्लीव्स हैं, स्लीव्स पर आपको दोनों पर एम्ब्रॉयडरी करके दी गई है, पिंक कलर का थ्रेड वर्क है, साथ ही आपको गोल्डन और ग्रीन कलर की इस तरह से लीफ वगैरह बना के दी है, बहुत ही सुंदर सा। ये वाली लेस इन्होंने इसके स्लीव्स पर लगा के दे दी है आपको, जो आपके इसकी स्लीव्स बनेंगी उसमें लगी लगाई आएगी, तो आपको अपने अकॉर्डिंग इसमें से स्लीव्स बनवानी है, तो ये इनकी जो स्लीव्स की ओवरऑल ब्रॉडनेस रहेगी फ्रंट से वो इतनी रहने वाली है, छोटी छोटी बूटियाँ भी बन रही हैं, और साथ में ये वाला वर्क भी आपको इसकी स्लीव पर मिलने वाला है। सो देख सकते हैं आप कितना सुंदर लग रहा है यार, ये कुर्ता बहुत प्यारा है, इसका बॉर्डर एक बार आपको और दिखा देती हूँ, जो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है, देखिए ये बॉर्डर आपको इसके फ्रंट और बैक दोनों साइड में नीचे की साइड जा करके मिलने वाला है, और इन्होंने ना साथ में ये इतना बड़ा लेस जैसा दिया हुआ है जो आपके उस बॉर्डर से मैच करता वही है, ठीक है। और ये आपको इसके चाक पर लगेगा, फ्रंट साइड में दोनों तरफ लगाने के लिए दिया हुआ है, तो ये चाक पर जाएगा, काफ़ी बड़ा पीस इन्होंने दिया हुआ है जो आराम से कुर्ती में चाक पर आ जाएगा, आप कितने ही ऊंचे चाक खुलवाएं दोनों तरफ आराम से लगेगा। इसके साथ मैं इसका ये पैंट का कपड़ा दिया है, ये पैंट कम इसकी लाइनिंग का भी कपड़ा है, काफ़ी सारा कपड़ा है, ये सेंट्रम का दिया हुआ है, आप देख सकते हैं इसमें सेल्फ में शाइन है, जो थोड़ा सा कॉटन वाला लुक लिए हुए होता है, कॉटन वाली ही फीलिंग आ रही है इसको टच करने पर, और ये ना वाटर मतलब आपका जो पसीना होता है उसको सोख लेता है, तो ये वाला फैब्रिक की लाइनिंग बहुत अच्छी होती है। सो ये इन्होंने इसकी पैंट के लिए या फिर बॉटम पार्ट के लिए और साथ में इनर लाइनिंग के लिए भी दिया हुआ है। इसका जो बॉटम पार्ट बनेगा ना उसमें नीचे जा करके आपको पैंट पर ये वाला डिज़ाइन लगाने को मिलेगा, वैसे फोटो में बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं दिख रहा है, बट मैं आपको बताती हूँ ये डिज़ाइन आपको इसके पैंट के बॉटम पार्ट पे लगाने के लिए दिया गया है, दोनों लेग्स के लिए दिया गया है। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छे से इन्होंने सब कुछ चीज़ बना करके दी है, आप अपने अकॉर्डिंग टेलर को बताइए और वो आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके देगा। दुपट्टा दिखाती हूँ, दुपट्टा तो यार बहुत ही खूबसूरत आया, ऑफ वाइट कलर का दुपट्टा है, दुपट्टे पे आपको चारों तरफ ये वाली लेस लगी मिलने वाली है गोल्डन कलर की, बहुत ही डल सा गोल्डन कलर है, बहुत ब्राइट वाला नहीं है, और ये ना इसे पूरे में आपको यहाँ पे सिरोस की वर्क मिल रहा है पूरे दुपट्टे पर, देखिए पूरे दुपट्टे पे सिरोस की वर्क प्लस इस तरह से आपको स्ट्राइप्स बनी हुई मिल रही है एम्ब्रॉयडरी की, जो इसके चाक वाले डिज़ाइन से मैच करती हुई दी गई है, ये एम्ब्रॉयडरी दुपट्टे पर आपको सारे मिलने वाली है। तो इसका दुपट्टा मैं आपको साइड में ना थोड़ा सा लगा के दिखा दूँगी किसी ड्रेस के साथ में पेयर करके कि इसका लुक कैसा आ रहा है, तो ये थोड़ा सा आपको पता चल जाएगा यार, बहुत अच्छा पीस है, आप डेफिनेटली इसको बाय करना, मतलब अगर आप वाइट कलर का कुछ पसंद करते हैं पहनना तो ये बहुत सुंदर पीस है, आप इसको ज़रूर बाय करना जरूर से। तो दोस्तों कैसे लगे अभी तक के प्रोडक्ट्स मुझे ज़रूर बताइए, आप जल्दी से मैसेज करके मुझे कमेंट कर दीजिए नीचे कि कौन सी ड्रेस अभी तक की ड्रेसेस में से कौन सी ड्रेस ज़्यादा अच्छी लगी है, वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अभी आज की वीडियो का लास्ट प्रोडक्ट ले लेते हैं हम, ये है लास्ट पीस, ये भी मैंने किसी की डिमांड पर मंगाया हुआ है, ठीक है। आज की वीडियो जो है ना उसमें काफ़ी सारे पीसेज जो हैं, दो से तीन पीसेज जो हैं
ऑन डिमांड है, यानी कि मेरे जो व्यूवर्स हैं सब्सक्राइबर्स हैं उन्होंने मुझे कोड भेजे हुए थे या फिर इंस्टा पर फोटो ही डायरेक्ट भेजा हुआ था मीशो से कि इन प्रोडक्ट का आप प्लीज़ रिव्यू कर दीजिए। तो उसमें से कुछ प्रोडक्ट्स आ चुके हैं, कुछ आने वाले हैं, सब्सक्राइबर हैं, इन्होंने मुझसे ही कोड डाल करके पूछा था तो मैंने इनको ये मंगा दिया है। एक और प्रोडक्ट है जो अभी आउट ऑफ स्टॉक है, जैसे ही वो इन स्टॉकों को मैं फिर से लेके आऊँगी। और ये वाला जो पीस है ये भी मेरी एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने मुझे इंस्टा पर भेजा हुआ है तो इसकी मैं लेकर के आ गई हूँ। एक और ड्रेस इन्होंने भेजी हुई है, वो भी मैंने आने वाला ऑर्डर तो वो भी जल्दी से रिसीव हो जाएगा, तो उसका भी रिव्यू लेके आऊँगी। ये पूरा कुर्ता सेट है अनस्टिच मटेरियल, और इस कुर्ता सेट की बात खासियत ये है कि ये पूरा का पूरा एक साथ अटैच्ड है, मतलब इसमें आपको इसका बॉटम भी इसी में मिला हुआ है, इसी में इसका कुर्ते का कपड़ा है, इसी में इसका दुपट्टा उन्होंने मैच करके दिया हुआ है। सो आपको टेलर से थोड़ा सा बता करके बनवाना पड़ेगा। ये है इस कुर्ते का फ्रंट पार्ट, इसके योक पार्ट पर आपको ये वाला डिज़ाइन मिलने वाला है कुछ इस तरह से, बहुत ही सुंदर सा बना हुआ गोल्डन कलर का जरी वर्क वाला, ठीक है। और इसमें पूरे पे आपको इस तरह से बूटियाँ मिलने वाली हैं। इसमें कलर्स ऑप्शन बहुत सारे हैं, बट मुझे उन्होंने नेवी ब्लू कलर ही सेलेक्ट करके दिया था तो मैंने नेवी ब्लू में ही ऑर्डर किया है। ये बूटियाँ आपको मिलेंगी, बहुत ही सुंदर लग रहा है देखने में। इस तरह से योक पार्ट पर ये वाला वर्क है, उसके बाद में पूरा इस तरह से जाएगा आपका प्लेन, और सबसे नीचे जाकर के ना आपको इसमें यहाँ पर बॉर्डर मिल रहा है सूट में जो आपके कुर्ते में नीचे की साइड आएगा। तो ये है इस कुर्ते का फ्रंट, और इसके साइड में ही इन्होंने इसका प्लेन फैब्रिक दिया हुआ है जो इसके बैक साइड में जाने वाला है। तो ये इसके बैक साइड का पार्ट है जो एकदम प्लेन है, काफ़ी बड़ा दिया हुआ है, इसी में से आपको इसकी स्लीव्स भी बनवानी होंगी। उसके अलावा इसमें इसका बॉटम जो है उसका भी फैब्रिक इन्होंने इसी में अटैच करके दिया है, बिल्कुल प्लेन ब्लू कलर का। फिर उसके बाद में इसका थर्ड पीस स्टार्ट हो जाता है जो कुछ इस तरह से आपको ना पूरा पूरा दुपट्टा है, देख रहे हैं आप, इस तरह से दुपट्टा है ये जो आपका कुछ इस तरह से जाने वाला है। यहाँ पर यार बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, स्टार्टिंग में तो मुझे समझने में टाइम लग गया था, थोड़ी देर देखा तब समझ में आया कि इसमें क्या कैसे किया हुआ है। तो ये दुपट्टा है, दुपट्टे का बॉर्डर जो है आपको इस तरह से मिलेगा, पूरे दुपट्टे पे आपको यही फ्लावर वाला प्रिंट मिलने वाला है, और जो इसका फॉल जाएगा दुपट्टे का उस पर आपको इस तरह से मिलने वाला है डिज़ाइन। और इस दुपट्टे में ना इन्होंने एक्स्ट्रा बॉर्डर दिया हुआ है, लाइक इससे अलग जो ये बॉर्डर दिया हुआ है ना ये वाला, ये इसकी बॉटम पार्ट में या कुर्ती में आप कहीं भी अटैच करके या स्लीव्स में आप इसको अटैच करा के अपनी डिज़ाइनिंग कम्प्लीट करा सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा इसमें ऐसे करके दे रखा है भाई, बहुत ही कंफ्यूजिंग था, समझने में थोड़ा सा टाइम लग गया क्योंकि मैंने इस तरह का अनस्टिच मटेरियल खरीदा नहीं है जो इस तरह से पूरा अटैच होता है। ऐसे ही जो फर्स्ट पीस मैंने मंगाया था वाइट वाला, उसमें भी एक एक पीस इधर उधर दे रखे थे, उसको भी मुझे फोटो को देख करके धीरे धीरे समझ में आया कि ये पार्ट कहाँ के लिए है, वो पार्ट कहाँ के लिए है। तो टेलर के पास आप लेके जाएंगे तो आप क्लियरली बताना पड़ेगा कि ये यहाँ पर लगना है, वो वहाँ पर लगना है, जिससे कि वो परफेक्ट तरीके से आपको स्टिच करा के दें। तो ये जो फैब्रिक क्वालिटी बहुत अच्छी है यार इसकी, और बनने के बाद मैंने बहुत सुंदर लगने वाला है। सो या गाइस दिस इज इट फॉर टुडे, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या कोई भी प्रोडक्ट अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हाँ इसको एक बंदे के साथ शेयर जरूर करना क्योंकि आपकी शेयर करने से ही मेरी वीडियो बहुत 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 ज़्यादा चलती हैं। थैंक यू सो मच इतना सारा मेरे साथ में टाइम स्पेंड करने के लिए, मेरी बातें सुनने के लिए और मुझे बर्दाश्त करने के लिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।